क्लास फोर्थ टुडे टॉपिक इज डिवाइड, भाग करना है एंड वेरीफाई द डिवीजन, और इस भाग को सत्यापित भी करना है, प्रमाणित भी करना है, वेरीफाई प्रमाणित करना है। अभी तक हमने एक अंक और दो अंक के सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट के वो भाग दी जिसकी हमको टेबल आती थी, आज हम उस भाग को दे रहे हैं जिसकी हमको टेबल नहीं आती। मीन्स 63 की टेबल हमको लर्न नहीं है, इसलिए 63 ऐसी डिवीजन जिसकी टेबल हमको लर्न नहीं है उसको हम किस प्रकार से करेंगे ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनका नाम हमको जानना बहुत जरूरी है। ये 6184 डिवाइडेड बाय 63, इसको बोलते हैं डिविडेंट, डिविडेंट, और ये भाग का चिन्ह है और ये है डिविजन। जब इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं तो यही चीज पलट के लिख दी जाती है, 63 यहाँ लिखा जाएगा और 6184 यहाँ लिखा जाएगा। मीन्स 6184 डिवाइडेड बाई 63। अब हम देखते हैं हमको 63 की टेबल आती नहीं है, इसलिए हम रखना पहले 63 की टेबल को लिखेंगे। 63 वन जा 63, 63 टू जा 126, 63 थ्री जा 189, 63 फोर जा 252, 63 फाइव जा 350, 63 सिक्स जा 378, 63 सेवन जा 441, 63 एट जा 504, 63 नाइन जा 567, 63 टेन जा 630। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ डबल डिजिट है और यहाँ से भी डबल डिजिट को पिक करेंगे, लेकिन 63 इज ग्रेटर देन 61, सो देयर विल बी नो डिविजन, इसलिए यहाँ पर कोई भाग नहीं होगा। भाग नहीं होगा तो अब हमको एक नंबर और लेना है, एक फिगर और लेनी है, जो 61 था उसको हमने 618 बनाया। अब 618 वहां टेबल में देखेंगे कि 618 कहां पर है, 63 नाइन जा 567, 63 टेन जा 630, 630 इज ग्रेटर देन 618, सो द रिजल्ट इज 63 नाइन जा 564, नाइन जा पहले यहां लिखेंगे और 564 यहां लिखेंगे, और उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 8 माइनस 7 1, यहां से 1 1 में से 6 माइनस नहीं होता, सो 1 फॉर हियर, 11 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू नथिंग। अब ये 51 था, इस 51 को हम 4 और पेस्ट करेंगे, इसमें ऊपर से लाकर 4 पेस्ट करेंगे तो ये जो नई फिगर बनेगी ये 514 बनेगी। फिर वही काम करेंगे, 514 टेबल में मैच करेंगे, 63 7 जा 441, 63 8 जा 504, 63 9 जा 567, ये ज्यादा हो रहा है, मीन्स 63 8 जा ही वहां पर आएगा, 8 जा यहाँ का 63 8 जा 504। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे फिर से, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू नथिंग। ये जो लास्ट में बचा उतारने के लिए कोई दूसरी नंबर है नहीं, इसलिए यह जो चीज बच गई है लास्ट में रिमाइंडर बच गई, रिमाइंडर मीन से ये सेज बच गया, इतना सेज बच गया। अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कब करेंगे, जब हमें इसका फॉर्मूला जानकारी होगा। जानकारी में क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो फिगर हमारे पास है 63, 63 को क्यूसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर जो था उसको ऐड कर देंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 63 इंटू 98 इज इक्वल टू 6148। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, 74 प्लस 10 इज इक्वल टू 6184 इस प्रकार से। और इस काम को हमें अलग से रफ करना है, मल्टीप्लाई वाला काम हमें रफ करना है, सो द आंसर इज 6184। दैट्स ऑल, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। थैंक यू।